फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में लेके आई हूँ मैं लेडीज लॉन्ग कार्डिगन का जो बैक पार्ट होता है वो, और ये मैंने बना दिया है इतना। ठीक है, अब इसकी आर्म होल की कटिंग मैं करूंगी। इससे पहले कि मैं आर्म होल की कटिंग करूं, आपको मैं बता देती हूँ कि इसमें कितने फंदे लेने हैं आपको और पैटर्न किस तरह से बैठाना है। ठीक है, सेम ही आएगा जैसा ये पैटर्न ये शुरू में हमने बैठा रखा है, यहाँ वही पैटर्न यहाँ पे भी आएगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूंगी, आप सेम वो चीज यहाँ पे कर लीजिए। वो चीज की शुरुआत आप यहाँ से करेंगे जो चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। ठीक है, तो फंदे ले लेते हैं हम। तो इसमें 105 फंदे हैं, ये है लार्ज साइज के लिए। तो अगर आपको एक्सेल बनाना है तो आप इसमें 119 फंदे कर लीजिए, 14 फंदे बढ़ा लीजिए, उससे आपका एक पैटर्न और आ जाएगा इसमें। ठीक है, जैसे यहाँ तक हमारा एक पैटर्न खत्म होता है, तो यहाँ तक आप फंदे लेंगे तो ये 14 फंदे होंगे बीच के, तो ये 14 फंदे एक पैटर्न का आप और बढ़ा लीजिए उसमें। ठीक है, और किसी को स्मॉल बनाना है तो ये 14 फंदे आप कम कर लीजिए, किसी को छोटा बनाना है। और वैसे ये जो जाली वाले पैटर्न होते हैं ये हमेशा स्ट्रेचेबल होते हैं। ये देखिए, ये लार्ज को तो आएगा ही, एक्सेल को भी आराम से आ सकता है, तो इतने स्ट्रेचेबल होते हैं। इसीलिए मैंने इसमें थोड़े से कम फंदे किए हैं। तो इसमें मैंने 105 फंदे किए थे, 119 फंदे बहुत ज्यादा हो जा रहे थे। तो चलिए पैटर्न बैठाते हैं। जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी आप वो चीज शुरू में कीजिएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा में लिए मैंने 3, क्योंकि मुझे जब सिलाई करनी होती है तो इसमें 2 फंदे चाहिए होते हैं किनारे पे सिलने के लिए, इसलिए मैंने 3 ले लिए हैं। आप चाहें तो एक्स्ट्रा में 1 ही ले लीजिए, या 2 ले लीजिए, या 4 ले लीजिए, जरूरी नहीं कि आप 3 ही लेंगे। तो एक्स्ट्रा में मैंने ले रखे हैं 3, 1, 2 और 3। ठीक है, अब आगे को हम पैटर्न बनाएंगे, लेकिन अभी का पैटर्न हमारा 4 जो रो आएंगी वो सिंपल ही आएंगी। 4 रो सिंपल आती है हमारी, 4 रो में पैटर्न आता है, अगर बैक वाला छोड़ देंगे हम तो। ठीक है, तो चलिए पहले ही रो को हम सिंपल वाली शुरू करते हैं। 3 एक्स्ट्रा हैं, 3 फंदे एक्स्ट्रा थे और ये 5 फंदे हमारे पैटर्न के आ गए। ठीक है, आप चाहें तो 1 एक्स्ट्रा कीजिए, 2 या 3 या 4, जितना आपको चाहिए। तो 5 फंदे हमने शुरू के सीधे कर लिए एक्स्ट्रा को छोड़ करके, और 5 फंदे हमारे उल्टे उल्टे आ जाएंगे यहाँ पे। देखिए, 5 फंदे हमारे उल्टे आ गए। फिर धागा पीछे करेंगे हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, यही पैटर्न आता रहेगा। कितने हैं ये फंदे? यहाँ पे 5 इसलिए आए हैं क्योंकि ये आधा ही पैटर्न है, साइड वाला आधा ही पैटर्न है और ये पूरा पैटर्न है, तो इसमें 9 फंदे आ गए। 9 फंदे सीधे और 5 फंदे उल्टे। इसी तरह से हम पूरा पैटर्न बनाते हुए पूरी रो कंप्लीट करेंगे। तो ये आप शुरू में पैटर्न इसी तरह से बैठा लीजिए। शुरू में तो 5 पैटर्न के हैं, 3 एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, 8 हो गए। शुरू के फर्स्ट के 8 फंदे हैं, फिर 5 फंदे उल्टे, फिर 9 फंदे सीधे, 5 फंदे उल्टे, 9 फंदे सीधे और 5 फंदे उल्टे। इसी तरह से पैटर्न आता रहेगा। पांच फंदे उल्टे करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, 9 सीधे, 5 उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, फिर 9 सीधे, 1, 2, 3,
चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। इसमें कितने पैटर्न बन के आ रहे हैं? आधा ये है, एक दो तीन चार पाँच और छः, और आधा ये है, ठीक है। आधा आधा मिला के सात हो गए, सात पैटर्न आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं अब, तो ये देखिए यहाँ पे पांच उल्टे आ गए हैं और लास्ट में हमारे तीन एक्स्ट्रा और पांच पैटर्न वाले, तो आठ हमारे लास्ट में सीधे आ जाएंगे। यहाँ पे आठ सीधे कर लेंगे और बैक रो हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। जो सीधे हैं वो उल्टे आएंगे, जो उल्टे हैं वो सीधे आएंगे बैक रो में, देखिए, ठीक है। जो राइट साइड पे सीधे थे वो रॉन्ग साइड में क्या आएंगे, उल्टे आएंगे, और जो यहाँ उल्टे थे वो सीधे आएंगे। तो ऐसे ही बैक जो रो है हमारी वो कंप्लीट करते हुए आएंगे हम। देखिए शुरू के पांच सीधे थे तो अब शुरू के पांच उल्टे आ जाएंगे, सॉरी आठ, आठ फंदे, तीन एक्स्ट्रा थे और पांच ये, ठीक है। और जो पांच उल्टे थे हमारे वो हो जाएंगे हमारे यहाँ पे पांच के पांच सीधे, ये एक दो तीन चार पांच, ठीक है। और नौ जो सीधे थे हमारे उनको हम उल्टे उल्टे बना लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ उल्टे हो गए जो हमारे सीधे साइड पे सीधे थे। तो इसी तरह बैक वाली रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपको पता चल गया होगा पैटर्न, बैक पार्ट में पैटर्न कैसे बैठाना है, इसी तरह से बैठाना है पैटर्न, ठीक है। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखी है जो इस पैटर्न को मैंने बताया है किस तरह से पैटर्न आएगा, आप उसमें से देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे अभी इसमें आर्म होल की जो कटिंग है वो बतानी है और आर्म होल के बाद हमें शोल्डर तक कितना बनाना है वो बताना है, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसीलिए आप मैंने वो वीडियो दूसरे इससे पहले डाल दी है, अपलोड कर दी है। तो आप क्या कीजिए, या तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारी वीडियो वहाँ पे मिल जाएंगी, नहीं तो मैं इस पैटर्न का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आपको, आप वहां से क्लिक करके देख लीजिए कि इसका पैटर्न कैसे बना हुआ है, और मैंने आपको बता दिया कि कितने फंदों में कितना आता है। तो ये मैंने अभी फिर बता रही हूँ, मैं लार्ज साइज वालों के लिए मैं बना रही हूँ जिसमें 105 फंदे, तीन एक्स्ट्रा शुरू में है और तीन एक्स्ट्रा लास्ट में। अगर आपको एक्सेल के लिए बनाना है, ज़्यादातर मेरे पास कमेंट आते हैं एक्सेल के लिए कितना बनाएं, तो उसमें 14 फंदे और ऐड कर लीजिए। आप इसी तरह से बनाइए और यहाँ आने तक आप देख लीजिए कि तीन एक्स्ट्रा होने चाहिए, आधी बुनाई आधी ये जो पैटर्न है आधा आता ही है इसके बाद, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है। शुरू में आपको यही लेना है, ठीक है, जो शुरू के आठ फंदे हैं, आठ सीधे पांच उल्टे, नौ सीधे पांच उल्टे, इसी तरह से आप ले लीजिए फंदे ले लीजिए, उसके बाद पहले पैटर्न को बैठा लीजिए गिन करके, फंदे गिन करके पैटर्न बैठा लीजिए, एक्स्ट्रा कितने आपके पता चल जाएगा आपको। अगर मेरी थोड़ी काउंटिंग में गड़बड़ हो रही है, मैं जैसे आपको कह रही हूँ कि 14 और इसमें प्लस कर लेना एक साइज बढ़ाने के लिए, तो अगर आपको कन्फ्यूजन होगी उसमें 14 या 13 होंगे या 12 या 15 बढ़ाने होंगे, तो आप यहाँ पे बढ़ा लीजिएगा एक, क्योंकि जितने मैंने इसमें फंदे ले रखे हैं मैं उसी का एकदम करेक्ट बता सकती हूँ। बाकी मेरे हिसाब से जहाँ से ये पैटर्न शुरू होता है और यहाँ तक इतने फंदे और एक्स्ट्रा लगेंगे एक साइज और बढ़ाने के लिए, तो आप देख लीजिए पैटर्न बैठा के, पैटर्न बैठाना मैंने बता दिया है। तो चलिए आर्म होल की कटिंग करते हैं। शुरू में हम फंदे बंद करेंगे चार, दो फंदों का एक करेंगे, एक दो तीन और ये चार, ठीक है। चार
चार फंदे कम कर दिए मैंने यहाँ पे आर्म होल की कटिंग, और चार हमारे सीधे बच गए हैं। अब हमको ये रो हमको प्लेन ही बनानी है, इसमें पैटर्न एटर्न कुछ नहीं देना है अभी। तो हम वही रो जो रिपीट करेंगे जो हमने पहली बनाई थी, पांच उल्टे नौ सीधे करके, ठीक है। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और ये नौ। उसी जो पहले हमने यहाँ पे एक रो बनाई थी इससे पहले, वही रो कंप्लीट फिर से करेंगे। तो इस रो को कंप्लीट करके आती हूँ मैं यहाँ पे। तो ये रो जो है कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, रो कंप्लीट हो गई है। यहाँ हमने आर्म होल की जो कटिंग है वो शुरू कर दी है। अब इस तरफ भी हम शुरू कर लेंगे। शुरू में हमने चार फंदे बंद किए थे, यहाँ पे भी हम चार ही बंद करेंगे। दो का एक करेंगे, एक दो का एक करेंगे, दो और दो का एक करेंगे, तीन, और ये हो गए हमारे चार फंदे बंद। ठीक है, शुरू में हमारे चार यहाँ भी किए थे और चार ये भी। अब हम बैक जो रो है वो कंप्लीट करके आते हैं फ्रंट साइड में, और बैक रो हमारी कुछ भी नहीं करना है इसमें, वही हमारा पैटर्न चलता हुआ आएगा, क्योंकि हमारी जो चार से पांच रो होती है वो प्लेन ही आती है। ठीक है, वो प्लेन ही आती है। अभी अब इसके बाद हमारा पैटर्न शुरू होगा। बैक रो भी कंप्लीट हो गई है, लास्ट में आ गए हम जहाँ पे हमारी चार बचे थे सीधे, जिनको हम बैक साइड में बनाएंगे उल्टे। ठीक है, ये हमारा कटिंग एक बार हमने कर ली है। लेकिन क्या होगा, अब पैटर्न भी शुरू करना है हमको, साथ साथ में पैटर्न भी शुरू करना है। तो चार बंद कर लिए हमने फंदे, फिर हम एक दो और ये तीन, ठीक है, तीन फंदे बंद करते हुए आएंगे आगे को। देखिए, तीन फंदे बंद कर दिए और दो उल्टे बनाने के बाद धागा पीछे करके एक सीधा बना लिया। ठीक है, एक सीधा बना लिया, धागा आगे करेंगे और लपेट लेंगे इस तरह से, और दो उल्टे बना लेंगे। अब हमारा पैटर्न जो है शुरू हो चुका है। यहां से फंदे को पलट लेंगे और दो का एक करेंगे, एक दो तीन चार पांच, पांच फंदे सीधे आ गए, दो फंदे लास्ट में रह गए, तो दो फंदों का एक करेंगे। ये हमारा पैटर्न शुरू हो गया। तो पैटर्न आपको मैंने लिंक दे रखा है, आप उसमें से पहले पैटर्न सीख लीजिए, उसी के बाद इसको कंप्लीट कीजिए। ठीक है, यहाँ पे हमारे चार पहले बंद हो गए थे, फिर तीन पहले बंद हो गए। अब पैटर्न बनाते हुए मैं आती हूँ यहाँ पर, फिर आपको बताऊंगी क्या करना है। आप यही पैटर्न चलाते हुए आइए यहाँ तक। और एक बात और, आप सोच रहे होंगे यहाँ पे हमने शुरू में एक ही जाली बनाई है, क्या यहाँ पे भी हमको एक ही? नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने शुरू में एक जाली इसलिए बनाई कि हमारे यहाँ पे फंदे कम हो गए हैं, तो इस साइड का पैटर्न जो है कट गया है, इसीलिए हमने यहाँ पे सिर्फ एक जाली बनाई है। आप हमेशा यहाँ पे एक ही जाली मत दीजिए, दो जाली दीजिए ऐसे। जैसे हम बनाएंगे दो उल्टे बना लिए, धागा आगे ही है हमारा, और एक सीधा बना लेंगे इस तरह से, और धागे को लपेट करके दो उल्टे बना लेंगे। तो ये दो जालियां आ गई। ठीक है, बीच में हमारे दो जालियां आ रही हैं, बीच में हमेशा दो जालियां आएंगी, और किनारे पे एक, यहाँ के किनारे पे एक, यहाँ पे एक एक ही जाली आएगी। ठीक है, तो पैटर्न पूरा कर लीजिए आप। अब देखिए, यहाँ पे हम लास्ट में आ गए हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे चार फंदे कम हो गए हैं, अब यहाँ पे आने वक्त तीन और हो जाएंगे, और यहाँ पे आ गए हम जहाँ पे हमने दो का एक, एक दो तीन चार पांच किया और दो का एक किया। अब हम क्या करेंगे, एक दो, दो फंदे उल्टे बना लिए, धागा आ गई है, एक ले लेंगे हम जाली, दूसरी जाली नहीं लेंगे, बल्कि हम यहाँ पे दो उल्टे बना लेंगे। दूसरी जाली इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे फंदे अब जाने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं, तो लास्ट में पैटर्न बनाने का कोई मतलब नहीं बनता, इसीलिए एक जाली हमने इसलिए बनाई कि यहाँ पे दो का एक हुआ, एक कम हुआ है तो एक यहाँ पे हमने बढ़ा रखा है। तो अब ये देखिए, बैक साइड में
चार हमने पहले बंद कर दिए थे, अब हम करेंगे तीन फंदे बंद। एक, दो और ये तीन, तीन फंदे बंद कर दिए और ये आ रहे हमारे सीधे दो, एक दो। इसको हम उल्टा लेंगे क्योंकि ये एक ही जाली बनी हुई है, तो दो सीधे करने के बाद दो उल्टे, एक दो। मैंने बताया आपको यहाँ पे मैंने एक जाली इसलिए नहीं दी क्योंकि यहाँ पे दो का एक नहीं करने को मिला, तो अगर घट नहीं रहा है तो बढ़ेगा कैसे, ठीक है। और दो सीधे, ये हो गया। अब हमारा बैक वाला जो रो है वो ये इसी तरह से आएगा, और जैसे कि अगल बगल आप देख रहे होंगे आर्म होल की कटिंग शुरू है तो पैटर्न भी कटता है, तो पैटर्न कटता है तो पैटर्न उसी तरह से बैठाना पड़ता है। अब यहाँ बीच में हम देखें दो सीधे कर लिए हमने, क्या आएंगे, एक दो तीन उल्टे आएंगे, ठीक है। पैटर्न चेंज सिर्फ फर्स्ट और लास्ट में ही होगा, बीच में सारे पैटर्न सेम आएंगे। तो चलिए इसको भी कंप्लीट करके आते हैं लास्ट में। तो यहाँ पे हम आ गए हैं लास्ट में, यहाँ पे भी हम वही करेंगे जो हमने फर्स्ट में किया था, दो सीधे और या जो हमारे तीन उल्टे आते हैं यहाँ पे दो ही उल्टे आएंगे क्योंकि एक साइड हमारी जाली बनी नहीं है, दो उल्टे दो सीधे। लास्ट वाले को भी सीधा ही बना देंगे क्योंकि अब खत्म होने वाला है ये वाला। तो चार बंद कर दिए, तीन बंद कर दिए, दोनों तरफ हमारे चार और तीन हो गए, ठीक है। अब बहुत से लोग कंफ्यूज में रहते हैं कि जो आर्म होल की कटिंग होती है वो कितनी करनी होती है, क्या करनी होती है। जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा फंदे घटाइए या बहुत कम घटाइए, आप पैटर्न के हिसाब से भी घटा सकते हैं। अब हमारा पैटर्न क्या है, यहाँ पे लास्ट होने वाला है, ठीक है। एक तो हमको एक्स्ट्रा चाहिए ही होता है लास्ट में, तो हमारे पास दो ही फंदे बचे, हमको जैसे चार तीन दो एक, दो एक घटाने हैं हमको, दो एक का मतलब है तीन फंदे, तीन फंदे यहाँ पे हमारे लिए घटाने के लिए नहीं है। अगर हम इन तीनों को घटा देंगे तो ये लास्ट में हमारा ये रह जाएगा जो कि पैटर्न, लास्ट में हमारा एक ही फंदा रह जाएगा जो कि हमारे लिए थोड़ा सा मुसीबत हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, अब चार तीन एक एक ही करेंगे, ठीक है, दो एक नहीं करेंगे। तो पैटर्न के हिसाब से भी कभी कभी आर्म होल की कटिंग को कम या ज्यादा करना पड़ता है। एक अभी कर लिया हमने, एक एक लास्ट में हम लास्ट वाले रो में कर लेंगे। अब यहाँ पे पैटर्न हमारा यही आता जाएगा, जाली देंगे दो सीधे कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए बस, अब आगे को ये पैटर्न चलता हुआ जाएगा, सिंपल पैटर्न। और फर्स्ट और लास्ट में ही हमारा थोड़ा सा कंफ्यूजन भरा रहता है, जो कि कंफ्यूजन मैंने आपकी दूर कर दी है। ये देखिए दो उल्टे आएंगे, एक सीधा जाली आएगा और दो उल्टे आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे रह गए अब तीन, तीन सीधे, दो का एक करेंगे, तीन सीधे और दो का एक करेंगे, ये। और यहाँ पे दो उल्टे, धागा पीछे करेंगे, एक सीधा करेंगे और धागा आगे करेंगे, एक जाली, फिर आगे करके एक जाली। बस ये पैटर्न हमारा चलता हुआ जाएगा यहाँ तक। आते हैं हम यहाँ पे और ये आ गए हम यहाँ पे लास्ट में, दो फंदों का एक करेंगे, जो लीप बनानी हमारी वो बन जाएगी। और यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, लास्ट में दो फंदे उल्टे करेंगे, धागा पीछे करके एक सीधा करेंगे और एक जाली दे देंगे, बस एक ही जाली देंगे और इन तीनों को हम कर देंगे उल्टा। अब जैसे कि हमने उस तरफ हम एक ही घटाया था, अब यहाँ पे भी हम एक ही कम करेंगे, ठीक है, दो फंदों का एक कर देंगे, ये हो गया। बस अब क्या आएगा, हमारा एक और रो आएगी। यहाँ पे देखिए बैक रो में क्या करना है, एक दो और ये तीन, तीन उल्टे हो गए। अब दो सीधे यहाँ पे रह जाएंगे हमारे पांच, एक दो तीन चार पांच। तो इसी तरह से आते हम लास्ट में यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गए हम लास्ट में।
जहाँ पे हमारे दो सीधे आएंगे, और जैसे कि मैं बताती जा रही हूँ आपको, जाली एक ही साइड आएगी तो हमारे यहाँ पे दो ही उल्टे आएंगे, एक दो, ठीक है। अब तीन हो गए, पहले दो थे, एक बढ़ गया जाली से, तीन हो गए, इनको हम बना लेंगे दो उल्टे। चाहे आप इनको सीधे बनाओ चाहे उल्टे, लास्ट में है ये सिलने में ही आ जाएगा लास्ट में। तो अब हमारा बच गया है लास्ट एक और, जिसे हम बंद करेंगे। ये देखिए, चार बंद किए, फिर तीन बंद किए, यहाँ पे दो करने थे लेकिन पैटर्न हमारा यहाँ से गड़बड़ हो जाता अगर हम दो बंद करते, तो हमने एक ही बंद किया। एक और बंद कर लेंगे यहाँ पे, दो का एक, ये लास्ट है आर्म होल की जो कटिंग है उसका लास्ट है ये। और जो इसके बाद आएगा तो इसको हम सीधा सीधा कर लेंगे इसी के साथ, ठीक है, ये सिलाई में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम ले लेंगे जाली, एक दो, ठीक है, ये ले लिया हमारा लास्ट में। आर्म होल की कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम दो उल्टे करेंगे और फंदे को पलट करके दो का एक। अब हमारे यहाँ रह गए हैं सिर्फ एक बीच में, हमारा पैटर्न भी कंप्लीट होने वाला है ये वाला, ये देखिए। और इस रो को आएंगे हम बनाते हुए यहाँ पे लास्ट में। तो यहाँ पे आ गए हम लास्ट में, जब हमारा ये वाला पैटर्न बनके दो उल्टे आते हैं, उसके बाद हम एक सीधा और दो सीधा, दो सीधा करेंगे धागा आगे करके, सिर्फ एक ही जाली करेंगे। और इनको भी सीधा ही कर देंगे क्योंकि एक तो इसमें से बंद करने वाले हम, ठीक है, चार तीन एक, और फिर एक और करेंगे तो लास्ट में दो ही, एक ही एक्स्ट्रा रह जाएगा हमारा। जिसको यहाँ पे दो एक्स्ट्रा करने हैं तो यहाँ पे वो चार एक्स्ट्रा कर ले, शुरू में ही अगर यहाँ पे चार एक्स्ट्रा कर लेगा तो ये आराम से हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे दो फंदों का एक कर देंगे बस। अब हमारा जो है कटिंग हमारी आर्म होल की वो कंप्लीट हो चुकी है, तो बैक रो कंप्लीट कर लेंगे हम। बैक रो कंप्लीट करके आते हैं फ्रंट साइड में। अभी आ गए हम लास्ट में, दो सीधे कर लिए, अब हम इनको सारे को ही उल्टा बना लेंगे। दो ही हैं, एक ही है एक्स्ट्रा, उसको भी हम उल्टा ही बना लेंगे क्योंकि वो तो जब हम बाजू जोड़ेंगे तो सिलाई में ही आ जाएगा। ये देखे, इस तरह से आर्म होल की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए, जब जब आपका पैटर्न यहाँ शुरू होगा, जैसे ये पैटर्न शुरू होता है यहाँ से, तो आप क्या कीजिएगा, एक और दो, दो सीधा करने के बाद तुरंत पैटर्न शुरू कर दीजिए, ठीक है, जैसे ये, क्योंकि ये फंदे कम हो चुके हैं। अब आपका लास्ट में यही आएगा इस तरह से। पैटर्न आर्म होल की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब हम इसका पैटर्न भी कंप्लीट होने वाला है। इसी तरह से पैटर्न हम कंप्लीट करते हुए रो कंप्लीट करते हैं। ये देखिए, ठीक है, तो यहां पे हम आ गए लास्ट में, हमारा जो आर्म होल की कटिंग है वो भी कंप्लीट हो चुकी है और हमारा ये एक पैटर्न भी कंप्लीट हो चुका है। तो एक दो और तीन, ठीक है, ये लास्ट जाली है, चौथी जाली है, तो एक ही जाली देंगे और यहाँ पे दो हमारा लास्ट में प्लेन आ जाएगा। इसी तरह से आप पैटर्न चलाते जाएंगे और जहाँ आप शुरू करेंगे तो दो फंदों के बाद जाली आ जाएगी, पैटर्न शुरू हो जाएगा।
तो हमारी आर्म होल की जो कटिंग है वो हो गई है कंप्लीट। आप देख लीजिए, ये देखिए इस तरह से दोनों साइड हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से बनाते हुए जाएंगे लगभग 7.5 इंच। अगर आप थोड़े हेल्दी हैं तो 8 इंच कर लीजिए, नहीं तो यहाँ से अगर हम शुरू करते हैं, यहाँ से अगर नापते हैं हम तो 7.5 इंच होता है, और यहाँ से अगर हम नापते हैं तो 8 इंच हो जाता है। ठीक है, तो हमने बना लिया यहाँ तक। अब हम मिलेंगे 7.5 इंच पूरा करने के बाद। मैंने बता दिया आपको आर्म होल की कटिंग के बाद एक पैटर्न आधा जैसे यहाँ बन रहा था यहाँ भी आएगा, बस यहाँ पे ये यह था कि 3 एक्स्ट्रा थे, यहाँ पे सिर्फ 1 एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने 3 एक्स्ट्रा किए थे, ये 3 एक्स्ट्रा ना हो करके यहाँ पे सिर्फ 1 एक्स्ट्रा होगा और उसके बाद जाली आ जाएगी। तो ये है बैक साइड का पार्ट। अब जब कंप्लीट होगा 7.5 इंच तो तब मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से इसको मैं बनाती हूँ। तो ये देखिए बैक पार्ट बन चुका है और ये बहुत ही लॉन्ग स्वेटर है। अगर मैं आपको इसका मेजरमेंट बताऊं तो अभी देखिए यहां से शुरू होता है आर्म होल तक। अगर मैं आर्म होल तक की इसका मेजरमेंट बताऊं आपको तो ये 25 इंच है। ठीक है, आर्म होल तक के मेजरमेंट इसका 25 इंच है और आर्म होल से ऊपर को आठ इंच है। अगर हम जहां से हमने आर्म होल की कटिंग की वहां से करें तो 9 इंच के आसपास ही आएगी। मैंने थोड़ा सा लंबा इसलिए बनाया है कि ये स्ट्रेचेबल है, अगर खींचेगा तो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। जैसे कि ये भी लंबा आप देख रहे होंगे, ये थोड़ा सा पहनेंगे इसको, ये खींचेगा इस तरह से तो ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। और इसका जो पैटर्न है वो खींचने पे ही क्लियर तरीके से दिखेगा। ये देखिए जब हम खींच रहे हैं तब इसकी लीव जो है वो अच्छे से उभर के आएंगी इस तरह से। तो बैक पार्ट मैंने टोटल ही आपको बता दिया है, कुछ नहीं करना है यहाँ से जब हम आर्म होल की कटिंग करेंगे, उसके बाद सीधे सीधे आपको 8.5-9 इंच बना लेना है। तो बैक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। फ्रंट पार्ट की वीडियो अगर आपको देखनी है या आपको इसी में समझ आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको फ्रंट पार्ट में मैं कैसे पैटर्न बैठाती हूँ और कितना कैसे बनाती हूँ अगर आपको वो देखना है तो आप नीचे मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से देख लीजिएगा। नहीं तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारी वीडियो आपको एक एक करके सभी मिल जाएंगी। काफ़ी कमेंट आते हैं कि इस वीडियो का लिंक भेजिए। इस अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और चैनल पर जाएंगे वीडियोज़ में तो वहाँ पर आपको एक रो में सारी वीडियो मिल जाएंगी, आप वहाँ से कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन के साथ, क्योंकि बेल आइकन अगर आप प्रेस करेंगे तो सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपके पास आएगी। तो चलिए इस वीडियो का एंड मैं यहीं पे करती हूँ। अब फ्रंट पार्ट को लेकर के मैं आऊँगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।